हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कंजक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो हिंदी में होगा वो होगा संयोजकता। डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा चैप्टर है अक्सर कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम टॉपिक को विस्तार समझाते हैं और आपको साथ में ही कॉपी यानी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाना है और नोट करना है। सारे यूज जो कराएंगे वो बहुत ही यूजफुल होंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट देखिए जो हेडिंग है वो है यूज ऑफ लेस्ट। लेस्ट का यूज कहाँ करते हैं? तो देखिए, लेस्ट का यूज कहाँ करते हैं नोट कर लीजिए। आप लेस्ट का अर्थ हेडिंग देखो, लेस्ट का अर्थ कहीं ऐसा ना हो कि या कहीं ऐसा ना हो जाए कि। यानी लेस्ट का जो हिंदी में होगा वो होगा कहीं ऐसा ना हो कि या कहीं ऐसा ना हो जाए कि होता है। ठीक, होता है, नोट कर लेना। आगे लेस्ट के यूज द्वारा हम वार्निंग का मीन्स होगा चेतावनी तथा रिजल्ट किसके द्वारा? लेस्ट के यूज द्वारा। ठीक, बताते हैं। जब आप लेस्ट का यूज करोगे तो उसमें वार्निंग दी होगी या रिजल्ट दिया होगा, तो आपको उस कंडीशन में लेस्ट का यूज करना है। और लेस्ट का जो हिंदी में होगा वो क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि या कहीं ऐसा ना हो जाए कि, ये होंगे। क्लियर? आगे देखो, लेस्ट से ठीक पहले, लेस्ट से ठीक पहले चेतावनी दी जाती है। लेस्ट से ठीक पहले चेतावनी दी जाती है और इसके बाद रिजल्ट बताया जाता है। यानी लेस्ट का अर्थ हिंदी में क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि या कहीं ऐसा ना हो जाए। लेस्ट के यूज द्वारा हम वार्निंग तथा रिजल्ट बताते हैं। लेस्ट के ठीक पहले चेतावनी दी जाती है और उसके बाद क्या दिया जाता है? रिजल्ट दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं क्या है। मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आएगा वार्निंग, उसके बाद दिया होगा लेस्ट और उसके बाद दिया होगा रिजल्ट। कह
एन ए का पर्पज है जब लेस्ट का यूज होगा तो लेस्ट से पहले वार्निंग आती है और लेस्ट के बाद में क्या आता है रिजल्ट आता है। ठीक, नोट कर लेना, ये आपके लिए एक शॉर्टकट स्ट्रक्चर बना दिया है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, नोट कर लीजिए। एक नोट क्या है, देखिए लेस्ट के बाद हमेशा लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज किया जाता है। किसका? शुड का यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। यानी आपको जब लेस्ट का यूज करना है तो उसके साथ हमेशा शुड का यूज करते हैं, ठीक, ना कि किसी और मॉडल वर्ब का, जैसे कुड, मे, माइट, वुड, इन सब का यूज नहीं करते हैं। अब एरर इसी तरह से दिया जाता है, तो देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्या एग्जांपल है, जैसे लिखा हुआ है वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल डाउन। वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल डाउन। अब सुनिए इसमें क्या एरर है, एरर देखिए इसमें यहां क्या होगा, मे की जगह क्या आएगा, शुड आएगा। क्यों आएगा? मैंने भी आपको बताया था जब लेस्ट का यूज करते हैं तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज करते हैं, किसी अन्य मॉडल वर्ब का यूज नहीं करते, जैसे मे, माइट, कुड, वुड ये नहीं लगा सकते हैं, केवल आपको शुड का यूज करना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लेस्ट लगाते समय सबसे पहले वार्निंग दी जाती है और लास्ट में रिजल्ट दिया जाता है। इसका मतलब है सावधान चलो, ये आपको चेतावनी शो कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ये आपका रिजल्ट शो कर रहा है। यानी जब पहले चेतावनी दी हो और बाद में लेस्ट दिया हो और बीच में लेस्ट दिया हो तो आपको उस कंडीशन में हमेशा जो मॉडल वर्ब उसका यूज करना है वो करना है शुड का यूज। ये क्लियर हुआ? चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, इसी में लेस्ट वाले में देखिए सेकंड नोट क्या है। लेस्ट का यूज करते समय, यूज करते समय, लेस्ट का यूज करते समय शुड के बाद नॉट नहीं लगाते हैं। शुड के बाद लेस्ट का यूज करते समय, यानी शुड के साथ में अगर आप लेस्ट का यूज करोगे तो आपको शुड के बाद नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि लेस्ट लगाने से ये पहले से ही नेगेटिव हो जाता है। ये माइंड में सेट करना है, जब आप लेस्ट का यूज करोगे तो इसका मतलब ये है वो पहले से ही नेगेटिव है, तो आपको शुड के साथ नॉट का यूज नहीं करना है। ये क्लियर हुआ? चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, जैसे लिखा है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक, लेस्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट पास, यू शुड नॉट पास, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट पास। अब यहां पर क्या एरर है बताइए,
देखिए इसमें एरर ये है कि शॉर्ट के बाद में नॉट नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट का यूज करते समय आपको केवल केवल शुड का यूज करना है, शुड नॉट का यूज नहीं करना है, क्योंकि लेस्ट लगाने से ये खुद ही नेगेटिव हो जाता है। क्लियर हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने अभी आपको लेस्ट का यूज कराया था कि कंजक्शन में लेस्ट का यूज कहाँ करते हैं और किस तरह से करते हैं, इसकी कंडीशन क्या होती है। यदि आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट इस टॉपिक का लाभ उठा पाएँ। तो स्टूडेंट्स, आगे चल के जो नेक्स्ट जो यूज कराएंगे वो है और, एल्स और अदरवाइज। इस यूज को हम इसी तरह विस्तार समझाएंगे और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इस टॉपिक को मैं यहीं विराम देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।